इंफॉर्मेशन ट्रेजरी के मुअज्जिज नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने दुनिया को मशहूर जमाना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दरियाफ्त भी की, जिसकी वजह से आज हम में से कई लोगों के घरों में सोलर पैनल्स मौजूद हैं। यकीनन उसका दिमाग एक खास और बेहतरीन दिमाग था, और शायद ये दिमाग इतना खास था कि आइंस्टाइन ने जब 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में फौत हुआ तो मौके पर मौजूद डॉक्टर ने आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया। नाज़रीन से इल्तमास है कि ये वीडियो आखिर तक देखने से पहले इस वीडियो के बारे में कोई राय कायम ना करें। आइंस्टाइन को अपनी काबिलियत का अंदाजा था और उसे शायद इस बात का भी अंदाजा था कि उसका दिमाग कितना कीमती है, और करीन मुमकिन है कि उसकी वफात के बाद उसके दिमाग को किसी लेबोरेटरी में आजमाइशदार आजमाइश की सोपतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। चुनाचे आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में इस बात का हुक्म दे दिया था कि मेरे जिस्म के किसी हिस्से को अलग ना किया जाए और मेरे जिस्म को जलाकर राख खुफिया तौर पर कहीं बिखेर दी जाए ताकि बुत प्रस्तों की हौसला शिकनी हो और यूं कहीं वो इसे पूजने ना लग जाएं। लेकिन आइंस्टाइन की तनबीह के बावजूद ऐसा ना हुआ और डॉक्टर हार्वे थॉमस ने आइंस्टाइन की खोपड़ी चीरकर आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी करके राह फरार इख्तियार की। कुछ ही दिनों में इस बात का अदराक आम लोगों को हो गया कि आइंस्टाइन के मुर्दा जिस्म से दिमाग चोरी हो चुका है। चुनाचे डॉक्टर हार्वे थॉमस ने आइंस्टाइन के बेटे को राजी किया कि वो अपने बाप के दिमाग पर तहकीक करने की इजाजत दे, और इस मकसद में डॉक्टर हार्वे कामयाब भी हो गया और आइंस्टाइन के बेटे ने डॉक्टर हार्वे को अपने बाप के दिमाग को महज तहकीक के लिए डॉक्टर हार्वे को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। डॉक्टर हार्वे को इस काम की वजह से प्रिंसटन अस्पताल से जल्दी ही चलता कर दिया गया और फिर डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग के साथ अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में पहुंच गया, जहां डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को दो अलग मर्तबानों में डालकर घर के तहखाने में छुपा दिया। लेकिन डॉक्टर हार्वे की शरीकिया याद की इस धमकी पर कि वो आइंस्टाइन के दिमाग को ठिकाने लगा देगी, डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को वहां से भी एक और जगह मुंतकिल कर दिया और किसी नामालूम जगह पर आइंस्टाइन के दिमाग पर अपने फारिग औकात में तहकीक करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद डॉक्टर हार्वे का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर हार्वे कानूनी तौर पर आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करने का अहल ना रहा। चुनाचे उसने अपने साथ दीगर कुछ डॉक्टर्स को मिलाया और तहकीक शुरू की, और ये वो मकाम है जहाँ पर यह कहानी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक की गई और पहली तहकीक 1985 में मंजरेआम पर आई, जबकि उसके अलावा आइंस्टाइन के दिमाग पर मजीद 5 तहकीकात हो चुकी हैं और इन तहकीकात में सबसे नई तहकीक 2014 में की गई। तमाम साइंसदानों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में मौजूद दिमागी खुलियों यानी कि न्यूरॉन्स की तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन आम आदमी से कदरे ज्यादा अकलमंद था। लेकिन जदीद दौर के साइंसदान इन तहकीकात को गलत कहते हैं और वो इन तहकीकात को रद्द करने का जवाब ये पेश करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करने वाले साइंसदानों ने अपनी तहकीक को दुरुस्त साबित करने के लिए और शोहरत की खातिर इस तहकीक में फ्रीजा इल्म दयानतदारी से काम नहीं लिया और आइंस्टाइन के दिमाग का सिर्फ एक शख्स के दिमाग से ही मुआजना किया गया, जो कि किसी भी सूरत में नतीजे पर पहुंचने का बायस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी साइंसी तहकीक में जहां पर मुआजना यानी कि कंपैरिजन करके नतायज अखस किए जाते हैं उनकी एक जैसी चीजों से मुआजना किया जाता है, तब जाके नतायज की सेहतमंद होने का दावा किया जा सकता है। आइंस्टाइन के दिमाग का सिर्फ एक ही दिमाग के साथ मुआजना किया गया और साइंसदानों के मुताबिक नतायज अखस करने में उजलत से काम लिया गया, और मजीद ये कि मौजूदा दौर के मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग एक आम इंसान जैसा ही था। और जब कुरान में अल्लाह ने सूरह 3 की आयत नंबर 4 में कह दिया कि बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत पर बनाया, तो उसका मतलब तो बिल्कुल सरी और वाजे है, और वो ये कि तमाम इंसानों को बेहतरीन बनाया है। अब इंसान पर है कि वो अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करके उससे कौन सा काम लेता है। चुनाचे हम आपको बताए देते हैं कि आप आज किसी भी हालत में हैं, आज ही अपने हालात को काबू करने के लिए दिन रात कोशिशें शुरू कर दें और इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना करें कि आप में वो अकल नहीं जो आइंस्टाइन में मौजूद थी। यकीन जानिए आप सब बेइंतहा अकलमंद हैं। जरूरत सिर्फ मेहनत इशाका से अपने ख्वाबों की तकमील के लिए जी जान से कोशिश करने की है। अब अगर वीडियो के इस हिस्से तक हमारे साथ मौजूद हैं तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखकर इरादा करें कि आज से आप सब दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा से इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।